प्रधानमंत्री ने धनवंतरी जयंती के अवसर पर 12,850 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का किया शिलान्यास। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एकता दौड़ में हुए शामिल। और सुकमा जिले के भेजी और जगरगुंडा इलाके से पुलिस ने 19 माओवादियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनवंतरी जयंती पर 9वें आयुर्वेद चिकित्सा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संस्थान खुलने से मरीजों को उपचार की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। इसमें एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक आईटी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र और 500 सीटों वाला एक सभागार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वर्चुअल माध्यम से रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर को केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित किया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान का निर्माण 24 माह में पूरा होगा। राज्य सरकार ने संस्थान के लिए 10 एकड़ की भूमि विभाग को उपलब्ध करा दी है। यह छत्तीसगढ़ का पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अस्पताल होगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अपनी पुरानी पद्धतियों को संजोकर लगातार आगे बढ़ रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि आज धनतेरस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य को केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में उपहार दिया है। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर में जाकर
स्वयं वहाँ इस पल के साक्षी बने और कि वहाँ जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी है वो प्रारंभ हो पाया। इसी प्रकार से पूरे विश्व में जिस प्रकार से आज प्राकृतिक चिकित्सा और योग का क्रेज बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, और हमारे भारत में सनातन समय से चले आ रहे योग और प्राकृतिक चिकित्सा को और आगे ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ में 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की सौगात आज धनतेरस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत आभार। इन संस्थानों में गैर संचारी रोगों जैसे मोटापा, प्री डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और गठिया के उपचार की सुविधा भी मिलेगी। देश हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सरदार पटेल की याद में एकता दौड़ की शुरुआत की, जिससे देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहन मिला। गृह मंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे एकता दौड़ के माध्यम से भारत की एकता को सशक्त बनाने और 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का संकल्प लें। आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सब को एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के तिलीबांधा तालाब में राजधानी वासियों के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री साय ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस संकल्प और साहस के साथ राष्ट्र को एकजुट किया वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। 30 अक्टूबर हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसको पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। क्योंकि 31 अक्टूबर दिवाली पड़ रहा है, इसलिए इस साल 29 अक्टूबर को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कोरबा में भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। वहीं राजनांदगांव में भी राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें देश की एकता और अखंडता तथा फिटनेस का संदेश दिया गया। इस मौके पर अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि जिस तरह देश के अलग अलग रियासतों का भारत में एकीकरण किया गया था, जिसका परिणाम है कि आज भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है।
जिसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इस तरह की दौड़ से लोगों में एक देश के लिए, जैसा नाम से ही रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरह से देश का जो अलग 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 रियासतें थी उन सबका भारत ने एकीकरण किया था और एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक दूरदर्शिता का के कारण आज भारत जो है जिस रूप में दिख रहा है वो उनका, उसमें काफ़ी योगदान उनका है। तो मुझे लगता है कि इस अवसर पे हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी दी हुई चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारें, है ना, ये हम सबसे अपील करते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइंस टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से, यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ पवीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमार जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने युवा उद्यमियों के योगदान को रेखांकित किया। नई दिल्ली में नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस सेमिनार में वायु सेना, थल सेना और तटरक्षक बलों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 115 स्टॉल लगाए गए हैं। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें रक्षा क्षेत्र में नवाचारों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली कई कंपनियां और स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। स्वावलंबन के पिछले दो संस्करणों में नौसेना को उद्योग जगत से 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस पहल के द्वारा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX योजना के अंतर्गत 200 से अधिक लघु तथा मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप को शुरू किया गया है। जांजगीर के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिला स्तरीय आवास मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आवास मेला में अतिथियों ने हितग्राहियों को मकान स्वीकृत और पूर्ण हो जाने पर आवास की चाबी भेंट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं। प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली है, इनमें से कई मकान पूर्ण हो चुके हैं। के जब कभी आवास के हितग्राही हूँ, मतलब मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णु देसाई जी जो जो वादा करे से तेला सारा पूरा करे। आज हमारे छत्तीसगढ़ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हुई से और जो पूर्ण हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास और हितग्राही मल्ला आज हमन प्रधानमंत्री के आवास के चाबी मतलब उपस्थित करवाएं, मतलब प्रमाण पत्र दे के सम्मान करें, मतलब सब चल में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम में विधायक व्यास कश्यप, पामगढ़ विधायक श्रीराज हरवंश, कलेक्टर आकाश शिकारा सहित जनप्रतिनिधि और हितग्राही बड़ी संख्या में मौजूद थे। जांजगीर में बीमा अभिकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। बीमा अभिकर्ताओं ने बताया कि देश में 14 लाख अभिकर्ता हैं जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार कमीशन को पुराने सिस्टम को लागू रखे, नए सिस्टम में बीमा अभिकर्ताओं का काफी नुकसान होगा। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, अभिकर्ताओं के कमीशन को मैनेजमेंट ने IRDA के माध्यम से कम करने का प्रयास किया है। 1 सितंबर 1956 से लेकर अभी तक अभिकर्ताओं के कमीशन पर लगातार LIC मैनेजमेंट IRDA की नज़र बनी हुई है। हम चाहते हैं
कि हमारा जो कमीशन है उसे पूर्ववत रखा जाए, बल्कि उसे बढ़ाया जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में जो 14 लाख LIC के अभिकर्ता काम कर रहे हैं, अगर उनकी एवरेज कमीशन की गणना की जाए तो मासिक मुश्किल से 6 से 7 हज़ार रुपये उनकी एवरेज आती है, जो कि इतने लंबे वर्षों के बाद भी बहुत निम्न जीवन स्तर का यापन कर रहे हैं। आज एक नया फरमान जारी किया गया है जिसे क्लब एक्ट का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई LIC का एजेंट किसी कस्टमर को पॉलिसी सेल करता है और कस्टमर 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर पॉलिसी के कंडीशन से संतुष्ट नहीं होता है या किसी भी कारण से उसे बंद करता है, तो एजेंट का जो कमीशन उसे पेमेंट किया जा रहेगा, उसे वापस लेने का प्रावधान लाने का प्रयास LIC कर रही है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। जहाँ तक आज LIC और जो मैनेजमेंट है, ये अभिकर्ताओं के साथ साथ जो ग्राहकों की है उसका भी अगर बोनस भी बढ़ता, प्रीमियम भी ज़्यादा हुआ है, और इसमें केवल केवल ये एक बंधुआ मजदूर टाइप का अभिकर्ताओं को प्रयास किया जा रहा है, ये अभिकर्ता यूनियन पूरे ऑल इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी और अपनी मांग पर अड़ी रहेगी, और जिसका हम लोग पहले से विज्ञापन दे चुके हैं। अब इसका और आगामी अगर नहीं मानेगी तो बड़ा जोर जोर से हमारे जो ऊपर से जो आदेश आएगा उसको करेंगे। अभिकर्ताओं ने पुराने नियम यथावत रखने की मांग की है। दीपावली का त्यौहार आज से शुरू हो गया है। इस बार कोरिया के बाजारों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन दियों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। इन दियों को स्वसहायता समूह की महिलाओं ने बनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये महिलाएं दिए बेचकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने दिए बनाए हैं। मेरे संकुल में दिया बनाया जा रहा है, मिट्टी का दिया से बनाया जा रहा है, झूमर बनाया जा रहा है, और दिया अनेक प्रकार की सजाया जा रहा है। और लोगों से मैं अपील करना चाहती हूं कि यहां दिया खरीदें समूह के दीदियों से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक कल्पना देवांगन ने बताया कि समूह की महिलाएं दिए बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। उन्नति महिला संकुल स्तरीय संगठन की समूह की जो दीदियां हैं वो इस बार अधिक मात्रा में डिजाइनर दिए बना रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले ज्यादातर लोग मिट्टी के दिए का उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है लोगों का डिमांड अब डिजाइनर दियों की ओर जा रहा है। तो मिट्टी के दिए को डिजाइन करने के साथ साथ हम डिजाइनर दिए भी दीदियों से बनवा रहे हैं। उसके लिए रॉ मटेरियल भी हम लोगों ने बाहर से मंगवाया है। उसके साथ में झूमर है और शुभ लाभ के स्टिकर हैं, जितने भी अभी मार्केट में डिमांडिंग चीजें हैं वो सारी चीजें दीदियां बना रही हैं। वही कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने डिजाइनर दियों की खरीदारी करने की अपील लोगों से की है। जो हमारा स्थानीय उत्पाद है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और जैसा आप सभी को विदित है कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर किसी का कुछ ना कुछ विक्रय होता है। इसके लिए ज़िला प्रशासन उचित व्यवस्था भी की है, समूह को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, और जो पुराने मिट्टी के बर्तन कुम्हार लोग बनाते थे वो भी ज़िला प्रशासन के सहयोग से आज से अपना मार्केट भी लगाएंगे। इसमें हम लोगों ने नगर पंचायतों को ये भी कहा है कि कोई भी टैक्सेस ना लिया जाए, प्लस इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो सभी स्थानीय उत्पादों का उपयोग भी करें, उसका क्रय भी करें। लोकल फॉर वोकल उत्पादों को बढ़ावा देने स्वसहायता समूह की महिलाएं डिजाइनर दिए बनाकर बेच रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सुकमा जिले के भेज्जी और जगरगुंडा इलाके में 19 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से जगरगुंडा के 3 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं भेज्जी क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए 5 माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में अपराध दर्ज किया गया है। ये सभी माओवादी हत्या लूट के साथ ही माओवादी गतिविधियों में शामिल थे। सुकमा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। सुकमा जिले में थाना भेज्जी और जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था,
और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली हैं जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनके पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड पर जेल भेजा। सुकमा क्षेत्र में माओवादियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। लंबे अरसे से इंतजार कर रहे सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में 959 युवाओं का चयन सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर हुआ है। परीक्षा फल घोषित होने से उत्साहित अभ्यर्थियों ने नवारायपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बलरामपुर में पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के मामले की जांच उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में कराने की मांग की है। रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री साहू ने युवक गुरुचरण मंडल के शव का पोस्टमार्टम कराने और उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने नाम नियुक्त अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सभी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। जांजगीर में युवाओं को स्वरोजगार के तहत मोटर वाइंडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी लक्ष्मी नारायण सिंह को ने बताया कि मोटर वाइंडिंग कार्य का प्रशिक्षण लेकर युवा अपना कार्य स्वयं ही कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण का लाभ युवाओं को मिल रहा है। जांजगीर के साथ गांवों के 22 किसानों से 70 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी व्यापारी आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने किसानों से रकम लेने के बाद वापस नहीं की। इस मामले में किसानों ने आशीष के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने धनवंतरी जयंती के अवसर पर 12,850 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का किया शिलान्यास। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एकता दौड़ में हुए शामिल। और सुकमा जिले के भेज्जी और जगरगुंडा इलाके से पुलिस ने 19 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।